में जो गलत गलत अफवाहें जो उड़ाते हैं वो आज का नपुंसक आदमी होगा। आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और आप देख रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर। वर्णन कुछ नहीं किया जा सकता, ये गरीब अमीर नहीं देखते। इनकी जो लोग इसके बारे में जो गलत गलत अफवाहें जो उड़ाते हैं वो आज का नपुंसक आदमी होगा। उसके पास न विचार है न व्यवहार है। वो जो ले रहे हैं सारा संसार को देख रहा है, और जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो रहे हैं, सब उन्हीं के देन से हो रहा है। अर्थ बगैर कोई काम नहीं होता। अब ब्राह्मण का काम है दक्षिणा लेना। दक्षिणा बगैर कल्याण नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, मैं भी राम दरबार में एक पुजारी का रूप में हूँ। बस से किसी का चरित्र नहीं जान सकते। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, यूनिफॉर्म से व्हाट इज एम्पायर। इसलिए गुरु शरण जी को मैं, हम लोग हृदय से भगवान का रूप, भगवान तो नहीं है वस्तुतः, भगवान साईं राम भी नहीं है, समझ गए, वो तो चांद मियाँ थे, अफगान का लुटेरा थे, चमत्कारी थे, फकीर थे, इसलिए जिनका साथ उनका काम हुआ उनको लोग भगवान मानते हैं। सचिन तेंदुलकर भगवान नहीं है, लेकिन एक दर्जा दिया जाता है, क्योंकि गुण की पूजा होती है। अब परमात्मा हाथीवान महाराज की कृपा है, और हनुमान जी का, बालाजी पंडोखर सरकार का कृपा है उनके अंदर। वो कृपा बरस रही है और बरसते रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। इनके प्रति जो भी डिबेट करता हो, गंदे शब्द से उच्चारण करता हो, वो नपुंसक है, कायर है, और राक्षसों का वो जलमा हुआ बच्चा होगा, राक्षस प्रवृत्ति का जो है इंसान। देखिए, लंका में पहले हनुमान जी से पहले काल नेमी पहुँचा था। क्यों पहुंचा? यस बट मेथड क्यों पहुंचा? क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति का था, शक्ति हनुमान जी से ज़्यादा था, फिर भी पहुंचा। अदरवाइज हनुमान जी पीछे पहुंचे, क्योंकि वो अधर्म था, अधर्म के साथ था कालनेमी। और हमारे प्रभु बालाजी जो हमारे हनुमान जी हैं, वह प्रभु के चरण का दास थे, सेवक थे, और उनका भगवान का आशीर्वाद था। इसी तरह से आज पंडोखर सरकार का आशीर्वाद, हाथीवान महाराज का आशीर्वाद, और समाधि वाले बाबा का आशीर्वाद, और सभी में मानव में कण कण में भगवान है। एक सब सब मानव का कण कण में जिसका कल्याण हो रहा है उनका आशीर्वाद। हम लोग 11 माला 11 हनुमान चालीसा जो पढ़ रहे हैं पंडोखर सरकार का, वो शक्तियाँ उनमें विराजमान हो रही है। बूंद बूंद से तालाब भरता है जब तक सूरज चांद रहेगा गुरु शरण जी के महाराज का। और मैं परमात्मा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गुरु शरण जी का महाराज अंतिम सांस तक ना उनकी समाधि बने। कलयुग में 3 ऐसे हैं जिनकी समाधि नहीं है, ना उनका शरीर को तो कोई देखा है, नहीं जानते, तो मैं आज बता देता हूँ। पहला मीराबाई, कलकत्ता के रामकृष्ण परमहंस, और एक साउथ में है, कोई मैं नाम से वाकिफ नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन 3 ऐसे हैं संत, ऐसे संत हुए हैं जिनकी आज समाधि नहीं है, और ना उनका शरीर कोई देखा है, वो ब्रह्मलीन हो गए हैं। मैं परमात्मा से ही कहता हूँ कि सब माइनर मोटल, ऑल माइनर मोटल, इन्वर्सल ट्रूथ है, मृत्यु अटूट सत्य है, सबके साथ है। लेकिन गुरु शरण महाराज जी के अंतिम सांस मैं प्रार्थना से करता हूँ कि वह ब्रह्मलीन में होंगे, और क्योंकि उनमें परमात्मा ने वो सब भर के रखा है। अवतारी पुरुष हैं, कलयुग में ऐसे ऐसे अवतार पुरुष होंगे जो धर्म की पताका को ऊंचा करेंगे, उत्थान करेंगे। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी हमारे वर्ल्ड क्लास में, वर्ल्ड में जो इनका निंदा करेगा वह कहीं के नहीं रहेगा, क्योंकि जाता है आदमी तो नेकी और बदी लेके जाता है। हमारे गुरु शरण जी भी जाएंगे, क्योंकि सत्य है, मृत्यु अटूट सत्य है, लेकिन परमात्मा हम लोग का सबका आयु उनको लगे, और जन कल्याण के लिए आज मैं पहली बार आया हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं घर में ही इनका, गुरु शरण जी का महाराज का गुणगान करता हूँ, दोनों टाइम आरती करता हूँ, याद करता हूँ। दया को उलट दीजिए तो याद बनती है, याद को उलट दीजिए तो दया बनता है। जहाँ दया वहाँ धर्म है। गुरु शरण जी में दया का भावना है,
लोग कहते हैं कि पैसा ले रहा है, इतना ले रहा, लूट रहा है, काहे का लूट रहा है, तेरे पॉकेट से नहीं लूटता है। वो जादूगर नहीं है, काला जादू नहीं करते, उन्होंने कह के ले रहे, डंके चोट पर ले रहे और स्वेच्छा से ले रहे, एक रुपया का भी दान लेते हैं। दान अनंत है, दान का कोई सीमा नहीं है। हमारी बजट जितनी होगी मैं दूंगा। डॉक्टर के पास जाते हैं क्या गारंटी है? यहाँ गारंटी मैं देता हूँ, गारंटी देता हूँ। कैसा अवतारी पुरुष आज न हुआ है न होगा गुरु शरण जी महाराज की तरह। आपकी जन अदालत न्यूज का अब तक का एक्सक्लूसिव लाइव इंटरव्यू आप देख रहे हैं, क्या नाम है सर? मेरा नाम सुजय कुमार शर्मा है। मैं कहेंगे जिस तरीके से आज आसाराम, बापू, राम रहीम तमाम बाबाओं के देश में नाम हो रहे हैं, सुनिए, नाम हो रहे हैं, ये बाबा नहीं है। चार युगों में कलयुग बहुत अच्छा युग है। तुलसी बाबा ने लिख दिया, जीना सीखो तो रामायण पढ़ो, मरना सीखो तो महाभारत, दैट्स ऑल। रामायण में लिखा है कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जस करनी तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है, चाहे कोई हो, उसमें जातिवाद नहीं होती। आई राजनीतिक तो इतनी गंदी है, जैसे शीश का महल बना रखे हैं उसी में एक कोने में संडास होता है, वह संडास के रूप में राजनीतिक है, चाहे कोई रहे। राजनेता होना चाहिए त्यागी पुरुष, जैसे मेरे आदिनाथ योगी जी हैं, मोदी जी हैं, इनके सिवा कोई नेता नहीं है। और उनके संसर्ग में जो है उनका अनुसरण करते हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जनता के लिए, सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास करने के लिए ये नेता उतारी पुरुष हैं। इसमें परमात्मा का वास है, जो परमात्मा के वास में होता है वो चंडाल होता है, राक्षस होता है, और राक्षसी प्रवृत्ति से वो राजनीति करता है, वो चंडाल है। जो संग्रह करता है दुख का कारण है। त्याग करो, हम लोग भी त्याग करते हैं तो सुख होता है, इट इज ए गुड थिंकिंग। और जो ऐसा करता है वो इट इज बैड थिंकिंग, सोच उसकी गलत है, व्यवहार गलत है। जो जनता का, पहले राजा क्या करते थे? जनता के लिए बच्चे को अपना परिवार समझते थे। आज जनता उसको वोट देती है, किसको? अपना समझ के, लेकिन वो पराया हो जाता है, अपनों को नहीं पहचानता, दूसरों को क्या है। इसलिए राजनीतिक से यहाँ खिलवाड़ ना करें। हमारे आश्रम ये पंडोखर सरकार में जो करते हैं, उस शास्त्र में शिव पुराण में भी लिखा है किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, निंदा लायक है तो निंदा करो। अब आसाराम बापू के आपने काम बताए, आसाराम बापू नारायण का नाम ले बचपन से लिया, नरक स्वर्ग दिखाई यही रास्ता दिखता है। बापू के पास ईगो हो गया, अहंकार आ गया। जब मुर्दा होता है, मुर्दा सबको देखे होंगे कि अकड़ होती है मुर्दे में, जब किसी में अकड़ आ जाए ना तो समझ लेना कि उसकी पतन है, पतन है। थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, कैरी ऑन, इस बात को ध्यान रखिए। और जब हम लोग किसी शिखा पर चढ़ते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो कोई आपको झुकाता नहीं, अपने झुकना पड़ता है। वो हमारे गुरु शरण महाराज जी हैं, शिखा के चोटी पर चढ़ेंगे और चढ़ रहे हैं, वो झुकते जा रहे हैं। उनकी नर्मता, खान पान, रहन सहन हम लोग जैसा साधारण है, मैं आँखों से देखा हूँ। मैं कल उनके चाचा जी से मिला हूँ बारह में, कोई कह नहीं सकता है। इस फैमिली का गुणगान करना हम पूरे फैमिली से जानता हूँ, लेकिन मैं पहली बार आया हूँ, मैं भी अनुभव करता हूँ। अनुभव सत्य है, विश्वास अंधा है। आज की तारीख में विश्वास अंधा है। आजकल गुरु लोग मान लेते हैं और शाम को करते हैं करो शुरू, ऐसे गुरु बहुत से गलियों में मिलेंगे, लेकिन जो गुरु महाराज हैं वो साक्षात बालाजी का स्वरूप में हैं। अपना रूप में वो आकर नहीं देख सकते, भगवान अपना रूप में नहीं आते जब वो तक दिव्य दृष्टि नहीं देंगे। अर्जुन को दिया, मैया जसोदा को दिया, और हम लोग को भी दे रहे हैं, इसका अनुभव हम लोग करें। अनुभव अनुभव सत्य है। आपको गाड़ी चलाने नहीं आता, आप गाड़ी दूसरे को देख के चला लीजिएगा? जब तक अनुभव ज्ञान नहीं है, परमात्मा चार रूप से मिलता है, चार रास्ता उसका है। मन रूपिया सुघोड़ा, घोड़े की सवारी से, रथ की सवारी से, और पालकी, जो चार गो। शादी में पहले पालकी चलती थी, तो मारुति स्कॉर्पियो जो भी चल रहा है, मेरी शादी पालकी में, मैं वहाँ से अनुभव किया। चार कहार डोली पर बैठाया, हम भी बैठे और गंतव्य स्थान पर पहुँचा दिया। लेकिन इतना साधन जिसके पास नहीं हो तो क्या परमात्मा नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिलीव इन द बेस्ट, मिलेगा।
क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा? हम पगडंडी यात्रा करके मिलेंगे, लेकिन जाएंगे, विश्वास रखिए, विश्वासम फलम देही, विश्वास का पात्र स्थान है, इसके रज रज में भगवान का वास है। हम लोग जैसी गेट पर घुसते हैं उसका रज लेते हैं, क्यों? हमारे अंदर भी परमात्मा है। मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है, मैं अभी गुरु जी से नहीं मिला हूँ, लेकिन जब से मैं YouTube में देखा, अचानक रास्ता दिखाने वाला परमात्मा है, सतगुरु है, ओम से भी बड़ा गुरु का स्थान है। ओम सारा संसार का एक बिंदु है, उससे भी बड़ा बिंदु गुरु का स्थान होता है। क्यों? गुरु भी खड़े, गोविंद भी खड़े, सब जानते हैं, काके लागो पाँव, है ना? तो गुरु हमारे गुरु शरण जी महाराज अवतारी पुरुष हैं, इनके बारे में जो भी बोलेगा। अभी तमाम सारे YouTube पर वीडियो आ रहे हैं, हाँ, लोग गुरु जी के खिलाफ वीडियो बनाने लगे हैं। वो क्यों बनाने? वो भड़ुआ है, भड़ुआ का जन्म है, उसकी माँ ने शराब पी के, बाप ने शराब मांस मछली खाया होगा। देखो गुण में रजोगुण सतोगुण तमोगुण, तमोगुण का जो होगा बच्चा वो संसार में गलत काम करेगा, पड़ोसी को भी बर्बाद कर देता है, जीना हराम करता है। पेड़ ऐसा लगाओ कि पड़ोसी को भी सुगंध मिले, विचार ऐसा रखो। परमात्मा का रामायण पढ़ते, मैं अभी 100 बात की एक बात बोला, रामायण पढ़ना है, जीना सीखो तो रामायण पढ़ो। मर्यादा, मर्यादा का जो उल्लंघन करेगा इस धरती में उसको जगह नहीं मिलेगा, कीड़े मकोड़े होंगे। 84 लाख योनियों में 83,99,999 बचा एक, वह मनुष्य अवतार है। बेपुरसुर संत हिता लिज मनुज अवतार निज इच्छा मनु माया गुण गोपाल, ये मनुष्य का तन लेने के लिए परमात्मा ललायित होता है और हमको भेजा है। हम लोग भी इस प्लेटफार्म पर किरायादार हैं, कुछ दिन का मेहमान हम लोग हैं, सभी लोग, लेकिन कोई किसी के बारे में नहीं जानता है। एक दिन जाना होगा, जाएंगे, लेकिन कर्म अच्छा करके जाएंगे। और गुरु शरण महाराज जी ऐसे हमारे अवतारी अवतारी पुरुष हैं, समझे, जो कि संसार में पूरे विश्व में इनका डंका बज रहा है, बजते रहेगा जब तक सूरज चांद रहे। सत्य को टिका देगी और धर्म चले जाएगी तो हमारे
अनुग्रह है सरकार भगवान कीजे जो मुझे आपने लोगों के सामने प्रकट किया है। ये बेटी बोले है ये कुछ जाने भटकती है सरकार की जय। ये केला देवी के दूत है, मैदीपुर से प्रस्थान है, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद।